मैं हूं केदार। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आज मैंने आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा चीज जो हर एक एग्जाम में एक मार्क कैरी करता है, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो। एरर में आता है, नरेशन में आता है, वॉइस में आता है, आपका इंप्रूवमेंट में आता है, एक मार्क इसका पक्का बनता है। आज मैंने आपको बताने वाला हूं यूज ऑफ बीइंग का। बहुत सारे यूजेस हैं, मैंने बस उसी से कोई बेहतरीन ट्रिक्स आपके लिए लेकर आया हूं ताकि कॉम्पिटिटिव सेक्टर में आपका मदद हो जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो पहला बात होता है प्रेजेंट का, दूसरा बात होती है पास्ट का, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल, चौथा बीइंग, और द नेक्स्ट वन इज V5 जिसको हम एस और ES नाम पे जानते हैं। सर अगर मैंने खाली बी का बात का मतलब क्या है ना, ईच आम आर, अगर इसका पास्ट का बात करें होगा वाज, नहीं तो वेयर। अगर V3 का बात करें होगा क्या, विल। अगर V4 का बात करें जिसको हम ING फॉर्म बोलते हैं होगा विन, और नेक्स्ट वाला अगर बात करें होगा इज, क्योंकि सर ये V5 हमेशा प्रेजेंट फॉर्म का होता है, ये पास्ट फॉर्म नहीं लेता। इसका मतलब है ये है बीइंग का सारे फॉर्मेट। कभी भी बीइंग इमोशनल चीज, चाहे फीलिंग्स हो चाहे इमोशन हो, हम उस जगह पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसका ऊपर डिस्कशन करूंगा थोड़ी देर में। दूसरा, इसको हम मेन वर्ब जैसा भी यूज कर सकते हैं, मैं इसका भी एग्जांपल आपका सामने रखूंगा। तीसरा, इसको मेन वर्ब का सपोर्टर भी मानते हैं। क्या कॉम्पिटेटिव सेक्टर में अगर पूछेगा, मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं। पहला वाला सेंटेंस लिखा आई एम ए डॉक्टर, दूसरे वाला सेंटेंस लिखा आई हेल्प पुअर पेशेंट्स, ये हो गया दो सेंटेंस। इसको अगर हम जोड़ेंगे, ये दोनों सेंटेंस को अगर जोड़ेंगे, जिसको आपको बैंकिंग में पूछता है सिंथेसाइज करने, और SSC में ऑलरेडी एरर इसमें दे देता है, तो कैसे जोड़ते हैं देखिए। यहां पे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो सेंटेंस होगा बीइंग ए डॉक्टर आई हेल्प पुअर पेशेंट्स। सर आप बीइंग कहां से लाए ना, जब चीज एक याद रखिएगा, जब दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं पहले हम लोग फोकस करते हैं उसका मेन वर्ब क्या है। इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है तो हम इसी को मानते हैं, और ये सेंटेंस का मेन वर्ब हम हेल्प को मानते हैं। दूसरा सर, जब भी हम जोड़ेंगे इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस वन क्या है और सेंटेंस टू क्या है। सर इसका मतलब कौन सा एक्शन पहले होता है और कौन सा एक्शन बाद में होता है। जो एक्शन पहले होगा उसको हम सेंटेंस वन मानेंगे, जो एक्शन बाद में होगा उसको सेंटेंस टू मानेंगे। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे ना, इसको अगर आप जोड़ते हैं जो पहला सेंटेंस है उसका मेन वर्ब को हम यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मेट में ना, जीरो एंड फॉर्मेट। ये जो सेंटेंस है इसका पहला सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। पहला सेंटेंस का जो वर्ब हमको मिला वो एम मिला। इसमें अगर हम क्या करेंगे ना, अगर जीरंड फॉर्म देंगे तो एमिंग तो नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर जीरंड फॉर्म देंगे तो क्या करेंगे ना, इसी का बी वर्ब का मदद लेंगे, तो ये क्या हो गया, बीइंग हो गया। नेक्स्ट वाला क्या होगा ना, बीइंग ए डॉक्टर, तो क्यों सर बीइंग ए डॉक्टर आपने लिए, फिर आई कहां गया ना। दोनों सेंटेंस का देखो सब्जेक्ट समान है, पहला वाला देखो क्या है, आई है, दूसरा वाला देखो क्या है, आई है। जब एक सेंटेंस में दो समान चीज देता है उसमें हम एक ही को लेते हैं, दूसरा वाला को माइनस करते हैं, तो इसीलिए मैंने जो आई एक ही बार यूज किया दूसरा वाला को मिटा दिया। अब सेंटेंस क्या हो गया, बी ए डॉक्टर, बीइंग कहां से आया पता चला, आई हेल्प पुअर। यहां पे बीइंग किसका काम कर रहा है ना, यहां पे बीइंग का मतलब है एच, यहां पे बीइंग का मतलब होगा सिंस,
यहां पे बींग का मतलब होगा बिकॉज, ये सारे बींग का मतलब है। यहां पे बींग कनेक्टर है बट यहां पे इसका मतलब होगा बिकॉज, आज सीम्स, ये सारे उसका मतलब होगा। मैं इसका टेढ़ा क्वेश्चन आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो टेढ़ा क्वेश्चन क्या है, सेकंड टेढ़ा क्वेश्चन है ही इज ए पेशेंट, दूसरा वाला आई टूक हिम हॉस्पिटल। पहला वाला लिखे ही इज ए पेशेंट, दूसरा लिखे आई टूक हिम हॉस्पिटल। जब मैंने दो टेढ़ा क्वेश्चन आपको दिखा, ये टेढ़ा मैंने क्यों बोल रहा हूं ना सर, इसको अगर आप कनेक्टर देंगे तो मैंने ये दे सकता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं पहला सेंटेंस जो होगा वो अपना मेन वर्ब को जीरण फॉर्म लेगा देगा, दूसरा जो सेंटेंस होगा जैसे है वैसे लिख देना, ये उसका फॉर्मेट है। पहला सेंटेंस में जो फॉर्म है वो इज है, इज किसका फॉर्म है ना, बेसिकली बी का फॉर्म है। अगर इज बी का फॉर्म है तो यहां पे उसको अगर जीरंट देंगे तो क्या हो जाएगा ना, बींग हो जाएगा। इसको अगर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा ना, बींग ए पेशेंट आई टूक हिम हॉस्पिटल, ये होगा सेंटेंस आपका हिसाब से और मेरा हिसाब से सर ये बनना चाहिए, बट ये सेंटेंस होगा तो ये गलत हो जाएगा। बोले सर क्यों गलत होगा ना, मैं ऑलरेडी कुछ लोगों को जो मेरा क्लास में होते हैं उनको मैंने बताया था, सर जब आपका पास सब्जेक्ट समान है तो आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, बट यहां पे सब्जेक्ट ही है और यहां पे सब्जेक्ट आई है, जब दो बार सब्जेक्ट होगा तब यहां पे हम एक बार यूज नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपका पास राम है, आपका पास हरि है, तो राम हरि कभी भी एक नहीं हो सकते। अगर राम राम दो बार दिया गया तो इसको एक बार आप यूज बिल्कुल कर सकते हैं, यह हमारा फंडा है। तो इसीलिए मैं क्या किया ना, यहां पे जो सेंटेंस आपको दिया अगर डबल सब्जेक्ट होगा, दो बार अलग अलग चीज होगा तो उसको दो बार लिख देना, अगर एक ही बार मतलब समान सब्जेक्ट होगा तो उसको एक ही बार लिखना। अब चलिए यहां पर ही है और यहां पर आई है, ये दोनों सेपरेट सब्जेक्ट है, इसको अगर लिखना है तो आप इसको दो बार लिखना पड़ेगा। फिर सर कैसे लिखें दो बार ना, जो मिसिंग है इसमें मिसिंग कौन है, ये है, क्योंकि बीइंग ए पेशेंट आई टूक हिम हॉस्पिटल, आई ऑलरेडी दिया है, स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट मिसिंग है, जो मिसिंग है उसको स्टार्टिंग में जोड़ देना। अब सेंटेंस क्या हुआ देखो, हुआ ही बीइंग ए पेशेंट आई टूक हिम हॉस्पिटल, ये होगा सेंटेंस। ये जो चीज मैंने लिखा हूं, पहला वाला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, डिनर इज बीइंग कुक्ड, दूसरा वाला लिखा आई एम बीइंग प्रिपेयर्ड। सर यहां पे जो बीइंग यूज किया गया ये कौन सा सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसिव सेंटेंस को, कौन सा वर्ब को हेल्प कर रहा है ना, मेन वर्ब को वी3 बनाने ये हेल्प कर। दूसरा वाला यहां पे जो लिखा गया आई एम बीइंग प्रिपेयर्ड, ये भी वही काम कर रहा है जिसको हम पैसिव फॉर्म बोलते हैं, और यहां पे ये मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है कि सर बीइंग यहां पे पैसिव फॉर्म में मेन वर्ब को वी3 बनाने मदद कर रहा है, ये यहां पे बेसिक यूजेस। अब सर इसमें एरर क्या पूछे, देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है हम नीचे वाला को नंबर वन मारे हैं, लिखे बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, हमको करेक्शन करना है। कैसे सर करेक्शन करें ना, पहला करेक्शन करना है, क्या देखना है, खाली आपको ऑब्जर्व करना है दोनों सेंटेंस जो लिखा गया इसका सब्जेक्ट समान है ना अलग अलग है, और कोई एरर इसमें नहीं होता, इसी टाइप का एरर होगा, आइदर सब्जेक्ट में एरर दे देगा नहीं तो बीइंग का जगह पे हैविंग लिख देते। तो इसका मतलब है सर पहले हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसका सब्जेक्ट क्या है और इसका सब्जेक्ट क्या है। देखिए जो बीइंग ए रेनी डे है इसको अगर हम लिखेंगे तो ये सेंटेंस ऐसे होगा, कैसे ना, इट वाज ए रेनी डे,
सर आप वाज कहां से लाए ना, सेकंड वाला देखो क्या है, कूड है, पास्ट में है, इसलिए मैंने इज का जगह पे क्या लाया, वाज लाया। नेक्स्ट प्रोसीड करें। सर अगर सेकंड वाला सेंटेंस का बात करें, ये तो पूरा है, इसमें हाथ लगाना जरूरी नहीं है। तो पहला सेंटेंस हुआ इट वाज ए रेनी डे, दूसरा वाला सेंटेंस होगा आई कुड नॉट गो आउट, ये होगा दूसरा सेंटेंस। तो मेरा कहने का मतलब है जब दो सेंटेंस का सब्जेक्ट समान होगा तो एक ही बार सब्जेक्ट होगा, जब दो सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो दो बार लाना पड़ेगा। मैंने इसी का पीछे आपको बताया था, यहां पे सब्जेक्ट देखो ईट आ गया, यहां पे सब्जेक्ट देखो आई आ गया, तो दोनों अलग अलग है, तो इसीलिए जो मिसिंग है उसको हमको इसका स्टार्टिंग में यूज करना है। इसका मतलब अगर सेंटेंस सही करना है तो यहां पे ईट जोड़ना पड़ेगा। अब सेंटेंस क्या हो गया देखो, इट बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, ईट क्यों लगाए पता चला, इसका सब्जेक्ट ईट है, उसका सब्जेक्ट आई है, दोनों अलग अलग है, तो जो मिसिंग है उसको मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया। आई होप आपको समझ में आया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने ऊपर भी आपको दे रखा हूं, आपका करेक्शन ये करना है, करो तो आपको मैंने दो सेकेंड दे रहा, करिए। ऊपर वाला सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा है, देखिए थोड़ा सा क्या टेढ़ा है ना, यहां पे लिखा बीइंग अपसेट ही कुड नॉट डू वेल, बोला कि इसको एरर करेक्शन करो। अगर इसको एरर करेक्शन करना है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे चेक करना है, सब्जेक्ट अलग अलग है या सिमिलर है, तो देखते हैं। यहां पे इसको अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ना, होगा ही वाज अपसेट, ये था उसका पहला सेंटेंस, दूसरा तो आपका सामने है, लिखना जरूरी नहीं है। तो पहला देखो ही है, दूसरा वाला देखो ही है, दोनों सिमिलर हैं। जब दोनों सिमिलर सब्जेक्ट देता है तो एक ही बार होता है, जब दोनों अलग अलग सब्जेक्ट देता है तो दो बार होता है, ये कॉमन सेंस का बात है। तो इसीलिए यहां पे जब दोनों सिमिलर दिया, हम एक ही बार लाएंगे, आई होप अंडरस्टूड, तो एक ही बार ऑलरेडी है, इसका मतलब सेंटेंस सही होना चाहिए, बट ये सेंटेंस गलत है। क्यों सर? ना इसीलिए गलत होगा क्योंकि कोई भी फीलिंग्स या कोई भी इमोशन अपना साथ बीइंग कैरी नहीं करता, यहां पे अपसेट है, ये फीलिंग्स और इमोशन का कैटेगरी में आते हैं, ये अपना साथ बीइंग नहीं लेगा। आई होप अंडरस्टूड, अगर लेगा तो स्टार्टिंग में उसको गलत मार देना उतना पढ़ना जरूरी नहीं है। तो मैंने क्या बताया, कोई फीलिंग्स कोई इमोशन अपना साथ बीइंग और हैविंग नहीं लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूं इसका बेसिक यूज क्या क्या है। पहला पार्ट आपको याद रखिएगा, बीइंग का मतलब होता है सिंस, आज और बिकॉज, ये हमेशा बीइंग को मदद करता है या बीइंग का मीनिंग ये होता है। दूसरा वाला पैसिव फॉर्मेट में इसको बिल्कुल यूज करते हैं। तीसरा वाला कंडीशन इसका फीलिंग्स, जितना फीलिंग्स है जितना इमोशन है इसका साथ कभी बीइंग यूज नहीं करना, ये दोनों बीइंग लेंगे बट ये बीइंग नहीं ले। आज का छोटा सा एपिसोड रिप्रेजेंट ऑफ बीइंग, इसका बहुत सारे क्वेश्चन आता है, मैंने सोचा कि इसका ऊपर एक स्पेशली वीडियो बना जाए, किस तरह क्वेश्चन आते हैं कैसे उसको डील करना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।